इमरान खान को बड़ा झटका, खतरे में इमरान खान की कुर्सी, 50 पाकिस्तानी मंत्री लापता, इमरान की मंत्री निकले बेवफा। पड़ोसी देश पाकिस्तान में इमरान खान के लिहाज से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जो कुछ वहां चल रहा है उससे लग रहा है कि उनके हाथ से सत्ता जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। तो पाकिस्तान में सरकार बचाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इमरान खान को। तो प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए न केवल सहयोगी दल समस्या बने हुए हैं, बल्कि खुद उनके मंत्री भी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही उनकी पार्टी के मंत्री यानी पीटीआई से जुड़े 50 मंत्री अब राजनीतिक मोर्चे से लापता हो गए हैं। ये सभी मंत्री इमरान खान की कैबिनेट और पीटीआई की स्थानीय सरकारों से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 नेता विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद से दिखाई नहीं दिए हैं। इनमें से 25 नेता सरकार के सलाहकार और विशेष सहायक हैं। इसके अलावा 4 राज्य मंत्री और 4 सलाहकार भी हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के कई मंत्रियों ने तो चुप्पी साध रखी है, जिससे अटकलों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया है। माना तो ये भी जा रहा है कि ये पाकिस्तानी मंत्री अपने पत्ते खोलने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ऐसे भी कई मंत्री हैं जो खुलकर इमरान खान का समर्थन भी कर रहे हैं, वो लगातार उनका पक्ष भी रख रहे हैं। इनमें विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, सूचना मंत्री फवाद चौधरी, रक्षा मंत्री परवेज खटक और गृह मंत्री शेख रशीद शामिल हैं। इस बीच इमरान खान के खिलाफ संयुक्त विपक्ष द्वारा दायर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए पाकिस्तान नेशनल असेंबली का सत्र 28 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने संसदीय परंपराओं का हवाला देते हुए सत्र को 28 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। अब ये क्यों हुआ और क्या बोला गया, इस पर तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि इसकी शुरुआत 8 मार्च को हुई, जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और नेशनल असेंबली सत्र बुलाने के लिए अनुच्छेद 54(3) के अनुसार 14 दिन की संवैधानिक समय सीमा 21 मार्च को समाप्त हो गई थी। प्रस्ताव के अनुसार इस सदन का विचार है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अधिकांश सदस्यों का विश्वास खो दिया है, इसलिए उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। अब देखना होगा कि इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहते हैं या नहीं, या असल में उनके मंत्री बेवफा निकले।